दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, तो जो भी NWDA की तैयारी कर रहे हो, जिनका भी सिलेबस कंप्यूटर का है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चार वीडियो मैंने डाल दिए हैं जिसमें करीब 110 क्वेश्चन करा दिए हैं और बाकी के क्वेश्चन अभी चल रही है सीरीज लगातार, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि एक वीडियो कराई जाए जिसमें पूरे सारे क्वेश्चन करा दिए जाएँ एक ही वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एक मैराथन क्लास ले ली जाएगी लाइव, ठीक है, तो उसमें बताना आप। अच्छा, तो कल देखते हैं कल हमने क्या किया था। तो देखो कल 110 क्वेश्चन तक किए थे। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, कौन करता है? ALU। कि मैंने CPU के बारे में काफ़ी अच्छी तरह बता दिया है, आप जाके देख सकते हो। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 से देखेंगे क्या है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स, ये ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कंपोनेंट, ये क्या लिखा है, कंपोनेंट। ओके, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो किसके माध्यम से ट्रैवल करता है, ये करता है बस के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड देखो, कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखता है, ठीक है। जैसे ये माउस है, ये आपके हाथ में माउस है, ठीक है, आप माउस चला रहे हो और यहाँ पे कोई प्रिंटर रखा है, ये बीच में कंप्यूटर है, आपने यहाँ से ये जोड़ा, इस तरह से कुछ जुड़ रहा है, ठीक है। और आप प्रिंट कराना चाहते हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ से ये निकलेगा प्रिंट होके, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में जो भी जुड़ रहा है, ठीक है, जिस तरह से, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। मतलब ये काम किसका है, ये मदरबोर्ड का काम है, टोटली पूरे कंप्यूटर को जोड़कर रखने का जो काम करता है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा डिवाइस होता है कंप्यूटर का, ठीक है, इसी में क्या होता है, प्रोसेसर रखा जाता है, इसी में एक मदरबोर्ड में क्या रखा जाता है, प्रोसेसर, प्रोसेसर जो सारी प्रोसेस करता है, ओके। जैसे CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर किसके अंदर रखा जाता है, मदरबोर्ड के अंदर। तो मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, मदरबोर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। PC का पूरा नाम क्या है, PC का पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। देखो जहाँ एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मैंने बता दिया परम के बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक मेमोरी हो गया आपको, सुपर कंप्यूटर, मेमोरी और आपको CPU, ठीक है, ये तीनों। और मैंने MS वर्ड भी बता दिया और MS ऑफिस अभी नहीं बताया, हाँ इन्हें बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी ये बताए नहीं है, MS वर्ड, MS ऑफिस और MS ऑफिस के बता दिए, MS ऑफिस बताना है पूरा, ठीक है, MS वर्ल्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये तो इन्हीं जगहों से क्वेश्चन पूछता है और यही आपके सिलेबस में है पूरा, ठीक है। और कंप्यूटर का जो इतिहास है वो तो सब इस क्वेश्चन के थ्रू हो ही रहा है, ठीक है। तो बस वीडियो जितने भी क्वेश्चन कराऊँ वो सारे क्वेश्चन आप करते जाना, लगभग सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। आप एग्ज़ाम उठा के देखना और चेक करना क्या इनसे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है NWDA, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लेना, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो देखो PC का पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, फुल फॉर्म तो जानते ही हो आप, सारी फुल फॉर्म है, सब में लगभग सेम ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम पोर्ट कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, इसको कौन जोड़ता है, MIDI, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए सम प्रेशर नियंत्रण करता है,
कौन करता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा मदरबोर्ड, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए कौन सा है, ये मैंने कल अच्छी तरह बताया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइव डिस्क, ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्राइव डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसके बारे में देख लो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको हम टच कर सकें, उनको क्या कहते हैं हम, हार्डवेयर, जिनको हम छू सकें उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर हो गया, उसको मैं, जैसे माउस हो गया, ठीक है, माउस को छू सकता हूँ, और आपका कोई भी जैसे हम छू सकें, प्रिंटर हो गया और कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। स्क्रीन हो गई, जो कुछ भी है उस जिसको मैं टच कर सकूँ उसे क्या कहेंगे हम, हार्डवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जिसको, जो अंदर चलता है, ठीक है, जैसे आपकी एप्लीकेशन हो गई सारी, ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, अंदर जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर ये लिखा हुआ है, ये क्या अंदर का है, ठीक है, तो इसको ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। और यहाँ पे आया CPU, तो CPU की, अब देखो CPU के बारे में देख लेते हैं, वैसे मैंने अगली वीडियो में बता दिया है, फिर भी देख लो एक बार CPU के बारे में। तो देखो CPU होता क्या है, ये क्या है, एक कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है इसे, CPU को, जो क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 3 + 2 कितना होगा, तो आप तुरंत प्रोसेस करके बता दोगे कितना होगा, 5 होगा। आपसे बोला जाए कि 2 × 3 कितना होगा, तो आप तुरंत प्रोसेस करके बता दोगे कि 6 होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 × 632 = 413 कितना होगा, तो आप थोड़ा टाइम लोगे। इसी को अगर मल्टीप्लाई करके पूछा जाए कि इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, तो आप तुरंत नहीं बता पाओगे। तो ये क्या होता है, ये आप प्रोसेस ही तो कर रहे हो, तभी तो बता पा रहे हो। तो इस ऐसी प्रोसेस को कंप्यूटर करता है, तो वो किसके थ्रू करता है, CPU के थ्रू, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें प्रोसेस होती हैं CPU के अंदर। अब देखो ये तीन भाग होते हैं CPU के। CPU की फुल फॉर्म पता होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है ALU, और एक होता है MU, और एक होता है CU। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद कर लेना इसकी फुल फॉर्म, अर्थमेटिक लॉजिकल, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। MU होता है मेमोरी यूनिट, और C होता है कंट्रोल यूनिट, ओके। ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये होता है मेमोरी यूनिट, और ये होता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस जो ऐड हो गया, सब्स्ट्रक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जितनी भी ये प्रोसेस होती हैं इस टाइप की अर्थमेटिक, उनको ये हैंडल करता है ALU। और मेमोरी में क्या होता है, याददाश्त के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो वो तुरंत बता दे, ठीक है, याददाश्त के लिए। और जो कंट्रोल होता है, ये क्या होता है, जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो कंप्यूटर को, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हो उसके थ्रू, तो वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है, जैसे आपने उसको फ़ोटो खींचने के लिए किया, ठीक है, और वो कुछ और कर रहा है, इस तरह से कंट्रोल, ठीक है, या आप और कुछ करना चाह रहे हो और वो प्रिंटर चला रहा है या और कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो कंट्रोल होता है कि जो तुम कहो वही करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड। देखो रोम और रैम तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें तो इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम ही नहीं है, ये तो अंदर से आते हैं, ठीक है, मोबाइल के अंदर आते हैं अलग से, ठीक है, अलग से तो नहीं आते हैं, मोबाइल के अंदर ही आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सर्किट बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड। और हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी है, और ये क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है। जो रैम और रोम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेमोरी, प्राइमरी
ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है और ये ऑक्सिलरी मेमोरी है। ये मतलब प्राथमिक और ये सहायक, ठीक है, ये सहायक मेमोरी हार्ड डिस्क और ये प्राथमिक है। अब इनके बारे में देख लो एक मिनट और। इसमें क्या है कि जो रोम की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रीड रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और जो आपका रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, और उसकी रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम होती है वो क्या होती है, ये और ध्यान रखना, जो रैम होती है वो आपकी वॉलेटाइल होती है। रैम क्या होती है, वॉलेटाइल वॉलेटाइल। और जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ये ध्यान रखना। वॉलेटाइल में क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो उसमें जो डेटा होता है वो भी चला जाता है, ठीक है, लाइट चली जाती है तो डेटा भी चला जाता है, और जो नॉन वॉलेटाइल होती है उसमें डेटा नहीं जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं, सीपीयू में या पेरिफेरल डिवाइस या स्लॉट या पैंक्स। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें किस में किए जाते हैं, स्लॉट में, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब मैं देखो किसी दिन एक पूरी क्लास लूँगा जिसमें सारे क्वेश्चन करा दूँगा। 300-400 के करीब क्वेश्चन हैं पूरे, और आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और अब जल्दी इसका प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ, ठीक है, NWDA का। तो और भी क्लास चल रही है GK GS की, आप देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है जाके, रीजनिंग की चल रही है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।